हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आइए, मैं युधिष्ठिर यूडी मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ई होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम को दिखाने के लिए पहले प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इसका डीवाई अपॉन डी एक्स अर्थात डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो, डेरिवेटिव इसका निकालते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू निकालेंगे एफ डैस, इसका डेरिवेटिव कहलाएगा और यहाँ कोशेंट रूल लगाएंगे। तो देखो, एक्स ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना, और माइनस लॉग एक्स ऐसे, ठीक है ना, और इंटू एक्स, एक्स का वन और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स माइनस का लॉग एक्स, ठीक है ना, और दिस होल अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कितना, एफ डैश एक्स इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स, वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया, क्लियर है। अभी क्या करो, डबल डेरिवेटिव इसका कर लो, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, ध्यान से बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से आपको भाई कोशेंट रूल लगाना है। देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये वाला ऐसे ही कर देते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो माइनस का वन अपॉन एक्स बनेगा, ठीक है ना, और माइनस का ये बनेगा कितना, वन माइनस का लॉग एक्स, ठीक है ना, और इनटू में कितना टू एक्स, और दिस होल अपॉन कितना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब इससे यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स बराबर बन जाएगा कितना, माइनस का एक्स और माइनस का कितना टू एक्स ब्रैकेट में वन माइनस का लॉग एक्स, ठीक है ना, और दिस होल अपॉन एक्स की पावर फोर। आप चाहें तो एक एक्स की पावर एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमने क्या करा, दोनों डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब आप जीरो करेंगे, किसको, वन माइनस का लॉग एक्स, ठीक है ना, और अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको जीरो करोगे तो आपको मिलेगा कितना, वन माइनस का लॉग एक्स इक्वल टू कितना जीरो। तो यहां से हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू कितना, लॉग एक्स इक्वल टू मिल जाएगा वन। तो यहां से कितना हो गया, लॉग एक्स बराबर लॉग ई, इस लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर ई आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, x इक्वल टू ई पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से अगर आप डबल डैश निकालेंगे, ठीक है ना, तो आपको कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, x कॉमन लेके काट दो तो यहाँ से बचेगा माइनस का वन और माइनस का टू और वन माइनस लॉग ई और दिस होल अपॉन एक्स क्यूब, यही तो बता। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, x इक्वल टू ई रख दो, तो जब भी x इक्वल टू ई रखोगे, तो जब भी x इक्वल टू ई रखोगे तो ये सारी चीज़ आपको कैसी मिल जाएगी, ये चीज़ सारी आपको लेस देन जीरो मिल जाएगी। और जैसे ही f डबल डैश x लेस देन जीरो मिलेगा, वैसे ही आप कहेंगे कि ये x इक्वल टू ई पर मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन करता है। समझ में आ गया आपको पक्का? तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आपने ये लगाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर इसको सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।